वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ी रोवर्स। तो गाइज आज हम लोग आए हैं शारजा के शीशा पार्क में, जो कि बहुत खूबसूरत पार्क है। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ही सुंदर है। तो इसमें आप देख सकते हैं किड्स एक्टिविटी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं पूल बने हुए हैं। ये नॉर्मल वैसे स्लाइड नॉर्मल स्लाइड्स हैं, लेकिन आजकल गर्मियों की वजह से इन्होंने इसको पूल में कन्वर्ट कर रखा है। तो ये अगले 10 दिन तक ये पूल ऐसे ही चलने वाला है। और इसका जो प्राइस है गाइज, ये 45 दिरहम है एक बच्चे का प्राइस। और ये 3 बजे से ये लोग रजिस्ट्रेशन चालू कर देते हैं और 9 बजे तक ये चलता रहता है। तो आप बच्चे यहाँ पे अनलिमिटेड खेल सकते हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और हम लोग कोशिश करेंगे इस फ्राइडे या सैटरडे जाने के लिए। विवान को चाहिए था कि उसको आज ही जाना, लेकिन उसको मैंने किसी तरह कन्विंस किया कि हम लोग तुझे वीकेंड में लेके आएंगे दोस्तों के साथ। तो ये है गाइज यहाँ पे। और अगर 5 बच्चे आप साथ में लाते हो तो 6वां बच्चा फ्री रहेगा, यानी आपको 5 बच्चों की टिकट्स पड़ेगी। तो इसके बाद विवान को करना था क्योंकि पूल में नहीं जा पाया। उसके बाद उसको यहाँ पे बाइक दिखी और उसने कहा कि मुझे बाइक राइड करनी है। तो चलिए हमने कहा चलिए आज इसी में इसको संतुष्ट करवा देते हैं। तो उसने 20 दिरहम की ये बाइक राइड करी, जिसमें आप बच्चे को ये लोग 10 राउंड करवाने के लिए देते हैं। तो 10 राउंड विवान ने इसमें करे और उसके हाथ में दर्द हो गया था क्योंकि बाइक को काफी टाइटली उसने होल्ड करके रखा हुआ था, ऐसा वो कह रहा था। लेकिन अच्छा है बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस। हाउ वाज दैट, कैसा था? इनसेन व्हाई आई वांट टू वांट टू डू दैट। वैसे हम लोग आ चुके हैं शीशा पार्क शारजा में, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन है। और विवान ने बहुत इंजॉय करके आ गया ऑलरेडी। यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड्स आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। ये स्लाइड्स में आजकल इन्होंने पानी भरा हुआ है क्योंकि गर्मी है, तो गर्मी की वजह से पानी भरा हुआ। अगले 10 दिन तक इसे पानी होने वाला है। और मैं आपको बर्ड्स की आवाज़ सुनाती हूँ जरा। हाँ बर्ड्स की आवाज़ सुनो गाइस, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है। गाइस मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि आंखें बंद करके शांति से बैठ जाओ और बर्ड्स की आवाज़ सुनते रहो, इतना सुकून है, इतना यहाँ पे मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है बेसिकली। तो यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया भी है जो कि फ्री है और काफ़ी अच्छी अच्छी स्लाइड्स यहाँ पे हैं बच्चों के लिए। तो इसके बाद मैंने इन दोनों को प्ले एरिया में छोड़ा और मैं थोड़ी टॉप में जाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मेरा यहाँ पे का सबसे फेवरेट जगह है। तो चलिए वहीं पर जा रही हूँ मैं आपको लेके। और यहाँ से आपको नज़ारे दिखाएंगे नीचे के। तो गाइज यहाँ पे वैसे बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, लेकिन आप आ सकते हो थोड़ी सुकून के लिए, थोड़ी शांति के लिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये इसका टॉप है और यहाँ से आप इस पार्क का पूरा नज़ारा ले सकते हैं। और इसमें पीछे की तरफ यानी फ्रंट गेट में इसमें थोड़ी शॉप्स हैं और काफ़ी अच्छा लाइटनिंग वगैरह वहाँ पर होती है। तो अगर टाइम मिलेगा तो जाऊँगी उस तरफ। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत खूबसूरत सा सनसेट, इसका भी आप यहाँ से नज़ारे ले सकते हैं। बहुत अमेजिंग, अभी मौसम बहुत अच्छा होने लग गया है तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। और ये गाफ ट्री के बारे में बताया गया है, ये जो जितने सारे आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ये सब गाफ ट्री हैं, जो कि यहाँ का नेशनल ट्री है, यूएई का नेशनल ट्री है गाफ ट्री, ठीक है। तो उसकी यहाँ पे हिस्ट्री बताई गई है। और ये ऑल वेदर ये ग्रीन रहते हैं, इनकी सबसे अच्छी बात ये है। तो ये बग्गी वाले भाई साहब ने हमको बिठा दिया और इस बग्गी में बैठ के हम लोग इवनिंग का नजारा ले रहे हैं पार्क का। बहुत दूर नहीं था, थोड़ा सा ही था चलने के लिए। तो ये जा रहे थे नीचे तो हमने बोला कि बिठा दो हमको, तो उन्होंने बोला बैठ जाओ और हम लोग फिर बैठ के निकल पड़े। और ये चौंक रहे कि तुम लोग कहाँ किसके साथ बैठ। मम्मा डैडी वाज वाचिंग फोन फुल टाइम
अरे बाप रे तो ये आप देख सकते हैं इन उबड़ खाबड़ रास्तों से हम लोग नीचे आए हैं और अभी धीरे धीरे रात होने लग गई है और विवान को थोड़ा और पार्क में खेलना है, तो थोड़ा पार्क में खेलने के बाद फिर हम लोग जाएंगे घर। तो यहाँ पे एक चुचू ट्रेन भी यहाँ पे चलती रहती है, तो इसका प्राइस पता नहीं है, आपको पता करना पड़ेगा अगर आप यूज़ करते हैं। तो चलिए गाइज़, ये था आज का वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।